अकेला आदमी क्यों जाएगा यार? एडल्ट आदमी का 40 रुपये और 10 साल के छोटे बच्चे का 20 रुपये। पहली बार देखा है ना इन लोगों ने जंगल। इसके लिए इनका इनका मन है ना विचलित हो रहा है। थोड़ा सा गाड़ी आगे पार्क करे है ना अपन ने। वेलकम टू अनादर वीडियो। और मेरे वीडियो में मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये क्या दिखा रहा हूँ, ये पूरा जंगल। हाँ, एक्चुअली आज का दिन मैं आपको रावणवाड़ी में गुजारने वाला हूँ और रावणवाड़ी का मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो है भंडारा साकोली रोड पर आता है और थोड़ा सा इंटीरियर एरिया में आएगा ये। तो अपन वहाँ से राजेवाड़ी से पलटे हैं, यानी कि भंडारा पार करके एक राइट साइड में राजेवाड़ी गांव आता है। राजेवाड़ी गांव से अंदर आने के बाद खुर्सा पार, एक खुर्सी पार करके गांव है, वहाँ से अपन आए हैं। और इधर साइड में जाता है टेके पार और इधर साइड में जाएगा अपने रावणवाड़ी की तरफ। तो चलिए भाइयों, अपन जाते हैं रावणवाड़ी में। एक्चुअली आज भी अपन अपने मारुति के साथ है। तो चलिए भाई, अपन निकलते हैं रावणवाड़ी और रावणवाड़ी का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है टेके पर एकदम स्ट्रेट है, कुर्सी पर एकदम पीछे साइड में अपन ने छोड़ दिया है और रावणवाड़ी इधर साइड है, राइट साइड 4 किलोमीटर है यहाँ से। और अपन गाड़ी थोड़ा सामने पार्क करे है और ये है कुर्सी पार और इधर टेके पार। तो अपन निकलते हैं सीधा अपने रावणवाड़ी की तरफ। रावणवाड़ी में बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं देखने के लिए और एक तालाब भी है और पीछे साइड में पूरा डोंगर एकदम हिल टाइप है। तो एकदम नेचुरल वहाँ पे एटमॉस्फेयर आता है। और थोड़ा सा गाड़ी आगे पार्क करे है ना अपन ने, इसके लिए थोड़ा सा पैदल जा रहे हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देना था अपने वीडियो के लिए। तो राइडर मैन रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज रावणवाड़ी। रावणवाड़ी यानी कि नागपुर से भंडारा आएगा, भंडारा यानी कि 60 किलोमीटर भंडारा आता है नागपुर से और वहाँ से साकोली रोड आता है। भंडारा से एक राजेवाड़ी करके गांव आता है 20 किलोमीटर पे और वहाँ से अंदर पलटना पड़ता है कुर्सी पार से रावणवाड़ी। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। मेरे साथ जो है लोग थोड़ा एंजॉयमेंट करते हुए पहली बार देखा है ना इन लोगों ने जंगल। इसके लिए इनका इनका मन है ना विचलित हो रहा है। हम लोग खाली जंगल देखते नहीं ना, हमारे सिटी में नागपुर में पूरे बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है ना, मगर यहाँ पे जंगल वंगल दिखा तो फोटोग्राफी चालू हो जाती है। चले भाई, मैं आपको दिखा था रावणवाड़ी। हाँ।
फाइनली हम लोग पहुंच गए रावणवाड़ी, और रावणवाड़ी का देखिए ये नज़ारा, ये तालाब है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह, और पूरा आजू बाजू में जो बढ़िया नेचर है बहुत बढ़िया। ये देखिए ये इधर पीछे साइड में भी हिल है और ये साइड में भी छोटी हिल है, और ये देखिए इतने बढ़िया दिख रहा है। भाई रावणवाड़ी में अपन आए हैं, यहाँ पे बोटिंग भी चालू है, तो बोटिंग का 40 रुपये है एक बंदे का। तो यहाँ पे मैनुअली बोटिंग भी है जो डोंगा करके बोलते हैं, और यहाँ पे दो जनों का जो पैडलिंग बोटिंग का ना वो भी है। तो एक एडल्ट आदमी का 40 रुपये और 10 साल के छोटे बच्चे का 20 रुपये। तो यहाँ पे पूरा एक राउंड 15-20 मिनट का लगाया जाता है, और बढ़िया देखते हैं अभी कोई इंटरेस्टेड होगा अपने ग्रुप में तो जाएंगे, नहीं तो अकेला आदमी नहीं जा सकता है। अकेला आदमी क्यों जाएगा यार पानी की बोट में, कोई रहेगा इंटरेस्टेड तो देखते, नहीं तो फिर वैसे ही हम लोग कभी खाना बनाने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या क्या बनाते देखते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग कच्चा चिवड़ा का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके बाद कुछ लेडीज़ लोग बोल रहे हैं कि अपन आलू भात भी बनाएंगे, यानी कि दोपहर का भी खाना हो जाता है अपना। तो चलिए भाई यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे एटमोसफेयर एकदम छोटी छोटी चिड़ियों का आवाज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ पे फैमिली कपल्स वगैरह बहुत आते हैं। हम लोग तो अभी मॉर्निंग में आए सुबह सुबह, इसके वजह से ज़्यादा लोग को दिख नहीं रहे, फिर भी एक एक जर करके यहाँ पे कपल्स लोग भी आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा, तो यहाँ पे आएंगे ना, ये तो पूरा चारों तरफ है ना, यानी को तीनों तरफ पूरा हिल से घिरा हुआ है, बीच में तालाब है, एक साइड से जंगल है जहाँ से अपन आते हैं, और आपको दिखाया मैंने। चलिए अभी देखते हैं खाने में क्या क्या बनाएंगे ये लोग, और खाने का मज़ा ये एटमॉस्फेयर नेचर के बीच में खाएंगे अपन। अभी बस फोन नहीं दे रही है, अभी चढ़ आवाज आ रहा है, अभी अदरक गरम पेस्ट डाल के बस तड़का मार के एकदम हाथ में दे दीजिए वो। रावणवाड़ी का जो सरोवर है वहाँ पे अपन ने खाना वगैरह बनाया, और यहाँ पे मंदिर है, अम्बा माता का मंदिर है, तो यहाँ पे अपन दर्शन करने वगैरह आए, तो माता का मंदिर है, यहाँ पे छोटे छोटे भगवान के भी यहाँ पे स्टैचू वगैरह है, और ये देखिए अम्बा माता देवस्थान मंदिर रावणवाड़ी पोस्ट पहला और डिस्ट्रिक्ट भंडारा करके है।
यहाँ पर भी बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ से अपन निकलते हैं। हमारा और दर्शन वगैरह करके हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे अपन एंड करेंगे।